Good morning, children. Today we will continue the chapter number 6. Now in this period we learn about the medicines. Beta kal hum log ne medicines ke bare mein padha tha ki never play with medicines and household cleaners which may have harmful chemical in them. Means हमें कभी भी medicine से या घर पे रखे हुए cleaner से नहीं खेलना चाहिए क्योंकि वे हमारे लिए क्या होते हैं harmful हो सकते हैं क्योंकि वे harmful chemicals उसमें मिले होते हैं बहुत नुकसानदायक harmful नुकसानदायक chemicals उसमें मिले होते हैं जो कि हमारे लिए हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं okay do not consume medicines without consulting a doctor or your parents कभी भी मेडिसिंस को कंज्यूम करके नहीं रखना चाहिए बिना डॉक्टर के परमिशन के या फिर बिना अपने गार्जियन के परमिशन के नहीं लेना चाहिए ओके नाउ प्लेइंग विद काइट्स जब बच्चे काइट से खेलते हैं मींस पतंग से खेलते हैं तो लिखा है डू नॉट फ्लाई काइट्स ऑन द टेरेस और ऑन अ बिजी रोड कभी भी हमें काइट्स को टेरेस पे मतलब छत पे नहीं उड़ाना चाहिए या फिर किसी बिजी रोड पे उड़ाना नहीं चाहिए मींस सड़क पे नहीं उड़ाना चाहिए as this may lead and to accident अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो उससे क्या हो सकता है हम लोग का एक्सीडेंट भी हो सकता है कि कभी-कभी बच्चे ऊपर छत पे पतंग उड़ाते हैं उड़ाते वे नीचे गिर जाते हैं है ना और कभी-कभी सड़क पे उड़ाते हैं तो सड़क पे वो भी सड़क पे भी कभी-कभी पतंग उड़ाते उनका एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि वे आगे पीछे कुछ नहीं देखते और पतंग उड़ाने में लग जाते हैं Open areas free from trees and electric wires. Always fly kites in a large open areas free from trees and electric wires. हमें हमेशा पतंग एक बड़े से एरिया में उड़ानी चाहिए, खुले एरिया में उड़ानी चाहिए, जहाँ पे पेड़ या फिर इलेक्ट्रिक वायर वगैरह ना हो, है ना? Okay, now safety in school. देखिए स्कूल में सेफ्टी कैसी होती है? हम लोग जब स्कूल जाते हैं तो कैसी सेफ्टी होनी चाहिए? Accident can happen in a school both inside and outside the classroom. Accident क्या होते हैं? Schools में भी हो सकते हैं, अंदर भी हो सकते हैं और classroom के बाहर भी हो सकते हैं. In the classroom, we must use pointed objects such as pencils, pen and scissors with care as they can hurt us. Classroom में बच्चे क्या करते हैं? कि वो जो भी पॉइंटेड चीज़ें लाते हैं जैसे कि पेंसिल्स लाते हैं पेन लाते हैं सीजर्स लाते हैं तो वो कभी कभी खेलते हैं ऐसे खेलते हैं कि वो उनको हर्ट कर देती हैं मतलब उनके उससे चोट लग जाती है सीजर्स तो आप जानते हो अगर बच्चे उससे खेलते हैं तो वो ध्यान नहीं देते हैं उससे हमें सीजर्स क्या होती है एक शार्प इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि हमें चोट लग सकती है और पेंसिल में भी क्या होता है पेन में भी होता है आगे शार्प पॉइंट होता है जिससे कि बच्चे कभी खेलते खेलते एक दूसरे के चोट पहुंचा देते हैं या खुद को ही चोट लग जाती है डोंट रन केयरलेसली इन द कॉरिडोर्स एंड क्लासरूम एज यू मे बैंक अगेंस्ट डेस्क चेयर्स एंड विंडोज कभी भी कॉरिडोर्स में या क्लासरूम में हमें रन नहीं करना दौड़ना नहीं चाहिए जिससे कि क्या होता है कभी कभी डेस्क या चेयर्स या विंडोज से हमारा हमें क्या होता है चोट लग जाती है अगर आप लोग क्लासरूम के अंदर या दौड़ोगे तो क्या होगा या तो कभी डेस्क से गिरोगे या कभी डेस्क पे गिरोगे या फिर कभी चेयर से गिरोगे या कभी विंडो लग जाती है तो कुछ ना कुछ हमारी असावधानी से हो जाता है चोट लग जाती है हमें इसलिए कभी भी क्लासरूम के अंदर नहीं दौड़ना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारी चेयर्स होती हैं डेस्क होती हैं है ना तो उससे आपको चोट लग सकती है आउटसाइड द क्लासरूम डोंट पुश रन और जंप ऑन द स्टेयरकेस क्लासरूम के बाहर क्या होता है क्लासरूम के बाहर जैसे बच्चे कभी दौड़ते हैं तो क्या होता है एक दूसरे को धक्का दे देते हैं तो कभी भी हमें उनकी सीढ़ियों पर क्लासरूम के बाहर जो सीढ़ियाँ बनी होती हैं वहाँ पर ना तो दौड़ना चाहिए ना जंप करना चाहिए ना एक दूसरे को पुश करना चाहिए मतलब धक्का देना चाहिए ओके इन कॉरिडोर्स एंड ऑन द प्ले ग्राउंड एज यू कैन फॉल डाउन एंड हर्ट योर सेल्फ और अदर्स अगर कॉरिडोर्स में या प्ले ग्राउंड में आप गिर जाते हो तो क्या होता है इससे आपको भी चोट लग सकती है और दूसरों को भी चोट लग सकती है ना तो इसलिए हमें कभी भी कॉरिडोर्स में या जीना चढ़ते समय स्टेयर्स के ऊपर चढ़ते हुए भी कभी ना तो दौड़ के जाना चाहिए ना किसी को पुश करना चाहिए ना जंप करना चाहिए ओके ऑलवेज फॉर्म अ क्यू व्हाइल गोइंग अप एंड डाउन द स्टेयरकेस हमें हमेशा अगर हम स्टेयर
केस पे चढ़ रहे हैं, जीने पे चढ़ रहे हैं ऊपर, तो हमेशा हमेशा लाइन से जाना चाहिए. ओके, कैसे जाते हैं बच्चे, हमेशा लाइन से जाते हैं. ओके, तो दिस इज़ योर होमवर्क. टुडेज योर होमवर्क इज़ ओपन योर वीडियो एंड रीड द चैप्टर. ओके, थैंक यू.